हेलो फ्रेंड्स, मैं मिनेश, आपका स्वागत है इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के इस एजुकेशनल वीडियो पे। आज का टॉपिक बहुत सिंपल सा है, मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कैसे अगर आपका कंप्यूटर बहुत स्लो हो गया है, बहुत दिन से लगातार चलते चलते, और बहुत सारी इसमें टेम्परेरी फाइल्स आ गई हैं, सिस्टम को ऑन होने में बहुत टाइम लगता है, तो हम लोग उसकी स्पीड कैसे शुरुआत वाली की तरीके से बना पाएंगे। बेसिकली हम लोग सिस्टम को ट्यूनअप कैसे करते हैं, डिस्क की क्लीनअप कैसे करते हैं और बूटिंग कैसे तेज करते हैं। ये एक छोटी सी यूटिलिटी है, बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। एक्चुअली इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करना होगा, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सी क्लीनर। ये आप लोगों को कई सारी वेबसाइट्स में फ्री मिल जाएगा। मैंने ये एक वेबसाइट है फाइल हिप्पो, उससे डाउनलोड किया है, आप लोग भी कर सकते हैं। सिंपल गूगल में फाइल hippo.com लिखिए, सी क्लीनर लिखिए, उसके लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएंगे। आप इसे अपने सिस्टम में एक बार रन करा लिए, ये इस तरीके से खुल जाएगा, और अगर आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो आपको इसमें लेटेस्ट वर्जन को क्लिक करते ही अपडेट भी कर सकते हैं। सी क्लीनर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं, बहुत ही कंपैटिबल सॉफ्टवेयर है। इसकी एक सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि इसमें आप लोगों की टेम्परेरी फाइल्स और कैश क्लीन करना, और साथ ही साथ आप लोगों की जो कुकीज़ हैं इन सबको भी वो साफ करता है। अब चलिए हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सी क्लीनर को खोलिए। सी क्लीनर को खोलने के बाद आपसे बोलेगा आपके पास अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो उसमें क्या क्या चीज़ें डंप हैं उनको साफ करना है। विंडोज़ एक्सप्लोरर है, सिस्टम्स के हैं और कुछ सॉफ्टवेयर हैं उनसे जुड़ा हुआ। देखिए मैं इसमें आपको वो सारी चीज़ें टिक लगा की हैं। एक्चुअली इनके बारे में बता दें, कंप्यूटर्स जब भी कोई सॉफ्टवेयर खोलता है, भले वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हो, कोई ब्राउजर हो, तो वो अपनी एक हिस्ट्री और टेम्परेरी फाइल्स सेव करता रहता है, और वो धीरे 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 काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आपके फ़ोन में भी ये होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर इस चीज़ को काफ़ी देर तक रखता है, तो इससे प्रॉब्लम आती है कि आपके विंडोज़ या एप्लीकेशन स्लो होने लगती है। हमें सी क्लीनर खोलना है, ये सारे टिक्स लगाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर की हिस्ट्री भी साफ़ हो जाए, कुकीज़ वो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जब इंटरनेट चलाते समय इंटरनेट से डाउनलोड होती हैं और आपके सिस्टम पर रह जाती हैं, आपका रिसाइकिल बिन, ये सभी कुछ आपके पास अलग अलग करके ढूंढ के साफ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको एक बार क्लिक करके एनालिसिस कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपके हार्ड डिस्क के, देखिए इस तरीके से वो एनालिसिस कर रहा है, आपके सारा डिटेल सर्च कर रहा है, जहाँ जहाँ टेम्परेरी फाइल्स है वो सिस्टम के हर हिस्से में जाकर उसे ढूंढ रहा है। उसको होने दीजिए प्रॉपरली, इस बीच आप लोग कोई और एप्लीकेशन रन मत कराइए, वरना उसकी टेम्परेरी भी जनरेट होती रहेंगी। कुछ सेकंड्स वेट करिए, आपका ये पूरा सिस्टम सारा ट्यूनअप करेगा, सारा कुछ खाली करेगा, और फिर आप लोग उसको डिलीट कर दीजिए। इसके होने में कभी कभार काफ़ी दिन बात करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए कुछ देर वेट कर लेना चाहिए। अब देखिए उसने पूरा सिस्टम क्लीन कर लिया और उसको 124 MB की कुछ फाइलें फालतू की मिली और उसको रिमूव कर दिया। आप रन क्लीनर चला दीजिए और ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम की सारी टेम्परेरीज और ये सारी चीज़ें एक एक करके सब साफ़ कर देगा। तो ये आसान मेथड हुआ। बहुत सारे लोग विंडोज़ के एप्लीकेशन से भी चलाते हैं, रन में जाके टेम्प क्लिक के भी टेम्प्रेरी हटाते हैं, वो टाइम टेकिंग है, ये इजी मेथड है। तो इस तरीके से हम लोग टेम्प्रेरी फाइल्स हटा पाएंगे। नंबर सेकंड जो है हमारे पास है वो कंप्यूटर्स की स्टार्टअप को कैसे बढ़ाया जाए। आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर्स जब शुरुआत में ऑन करते थे तो बहुत फास्ट चलता था, लेकिन धीरे 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 करते करते कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेसिंग हो गया, ऑन होने में बहुत टाइम लेता है। तो उसके लिए एक ऑप्शन है, आप टूल्स में जाइए, यहाँ पर आपको स्टार्टअप ऑप्शन मिलेगा, आप इसे क्लिक करिए, और स्टार्टअप में देख रहे होंगे आप लोग कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ये शो करता है कि क्या क्या सिस्टम आपका ऑन होते समय एक्टिव होगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको बताती हैं कि हमारा सिस्टम जब ऑन होता है तो हमारे सिस्टम में जितने भी यस लगे हैं ये सारी सिस्टम भी साथ में, ये सारी सर्विसेज भी ऑन होती हैं। आपकी ज़रूरत है, आपको कोई सर्विसेज नहीं चाहिए तो आप उसे हटा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि एंटीवायरस या फिर जावा का अपडेट होना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप नहीं हटाना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये साइड बार नहीं चाहता तो मैंने इसे क्लिक करके यहाँ से डिसेबल कर दिया। अब मेरे सिस्टम में जब ये साइड बार नहीं ऑन होगा तो सिस्टम में साइड बार ऑन होने में जो एक्स्ट्रा रैम लग रही थी वो बच जाएगी, और इतनी ज़रूरत के हिसाब से आप एनेबल भी कर लीजिए। बस सिंपल है, अगर आप चाहते हैं कि ऑन होते समय कुछ चीज़ें ऑन ही ना हो, यानी कि स्टार्ट ही ना हो, तो आप उसे क्लिक करके सीधा डिलीट कर दीजिए। याद रखिए आपके सिस्टम की ये फाइल डिलीट हुई है, स्टार्टअप फाइल डिलीट हुई है, सिस्टम चलना बंद नहीं हो जाएगा, वो बाद में जाके भी आप उसे ऑन कर सकते हैं अंदर से जाके प्रोग्राम मेनू से। तो ये भी एक अच्छा मेथड है, अगर आपको अपने कंप्यूटर्स में कोई चीज़ अनस्टॉल करनी है तो आप यहाँ से जाकर भी सेफली अनस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, सिस्टम को एक बार खोल लीजिए, जो भी चीज़ आपके मतलब की नहीं है इसमें चेक कर लीजिए,
क्योंकि नेट अगर लगातार चल रहा है तो सिस्टम में बहुत सारी चीजें अनवांटेडली बैकग्राउंड में डाउनलोड होती रहती है। देखिए जैसे ये विन शेयर कि मेरे को नहीं पता क्या है, ये कहाँ से आ गया, तो मैं इसको अनस्टॉल कर देता हूँ, मेरे काम का नहीं है, हमसे एक बार पूछे एक बार, मैंने अनस्टॉल कर दिया और ये मेरे सिस्टम से अनस्टॉल हो रहा है। तो आप देख रहे हैं सी क्लीनर हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है, हमारे सिस्टम को प्रोसेसिंग अच्छी करता है और हमारे कंप्यूटर से डंप हटाता है। बस यही मेरा पहला वीडियो है और इसी के साथ आप लोग अपना इस हार्डवेयर ट्रिक को आप इस्तेमाल करिए और हमारे अगले वीडियोस का वेट करिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।